हेलो दोस्तों, इंद्रिय ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं राजदीप और आज मैं बात करने जा रहा हूं कि इंटरनेट की स्पीड को कैसे डिफाइन किया जाता है, या आपको जो स्पीड बताई जाती है एमबीपीएस केबीपीएस में वो कितनी वो बताते हैं और किस तरीके से आपको स्पीड मिलती है, या फिर एमबीपीएस बड़ा एमबीपीएस और छोटा एमबीपीएस में क्या डिफरेंस होता है। तो गाइस, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गाइस, बहुत कंफ्यूजन होता है इस चीज़ को समझने के लिए कि आपको जो इंटरनेट की स्पीड मिल रही है वो एक्चुअल में वो बताते कुछ अलग है और आपको मिलती कुछ अलग है। सो ये चीज़ मेरे साथ भी बहुत बार हुई है, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है और वही लॉजिक मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने आज से बहुत पहले एक इंटरनेट कनेक्शन लिया था, 5 साल 7 साल पहले ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो वहाँ जब बहुत नेट की स्पीड बहुत स्लो हुआ करती थी, बीएसएनएल का कनेक्शन था और मैं वहाँ गया तो और मैंने बात की उनसे, तो उनने बताया कि 512 केबीपीएस का प्लान है। सो मैंने कहा अच्छी बात है, अगर मैं डाउनलोडिंग करता हूँ तो 512 केबी अगर 1 सेकंड में डाउनलोड होगा तो 2 सेकंड में 1 MB डाउनलोड हो जाएगा। अच्छी स्पीड है, 4-5 MB का गाना जो है वो 8-10 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन जब मैंने प्लान लिया और जब मैंने उसे यूज़ किया तो मुझे पता चला कि 512 तो नहीं, सिर्फ 64 केबीपीएस की स्पीड मुझे मिल रही थी। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये बता कुछ और रहे हैं और स्पीड कुछ और मिल रही है। और मैं जब उनके पास गया पूछने के लिए तो उनके पास भी कोई इसका जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि ये कंपनी से आगे से ऐसा बताते हैं और ये इसी तरीके की स्पीड मिलती है। फिर मैंने नेट पर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जो स्पीड जो होती है वो कुछ इस तरीके से काम करती है। आपको जो नेट में की स्पीड में आपको जो दिया जाता है, से फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 10 MBPS का प्लान, तो कंपनी बोलेगी आपको कि आपको 10 MBPS का प्लान मिला है, या 8 MBPS ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 8 MBPS का प्लान है। तो वो जो होता है वो लिखते हैं वो स्मॉल में, एम स्मॉल वाला बी पी एस, और जो आप डाउनलोड करते हैं ना वो स्पीड आप देखते हैं बड़े बी में। सो होता है मेगा बाइट होता है वो, बड़ा वाला बी और पी एस। सो वो जो छोटा वाला बी है ना वो बिट होता है और ये बड़ा वाला बाइट होता है। सो कोई भी अगर आपको बोलता है कि 8 MBPS का प्लान है तो आपको 8 MBPS को 8 से डिवाइड करना होगा। तो 8 को 8 से डिवाइड करते तो 1 मिलता है, तो आपको 1 MB पर सेकंड की स्पीड मिलेगी। सो अगर आप कोई गाना डाउनलोड करते हैं जो कि 5 MB का है और 8 MBPS का प्लान है, तो आपको 1 MBPS डाउनलोडिंग की स्पीड मिलेगी और आप 5 सेकंड में उस गाने को डाउनलोड कर पाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है कि ये जो स्पीड है वो छोटे बी में बताते हैं और अपन डाउनलोडिंग बड़े बी में करते हैं? तो गाइस, ऐसा होता है कि इंटरनेट की जो स्पीड है उसको हमेशा जो मेजरमेंट की वैल्यू है वो बिट्स में की जाती है, बाइट में नहीं की जाती। सो हमेशा जो प्लान चलते हैं वो छोटा वाला बी जो है वो यूज़ करते हैं उसके लिए, मेगा बिट पर सेकेंड, किलो बिट पर सेकेंड, ना कि बाइट। जो अपन कंप्यूटर में डाउनलोडिंग करते हैं या सॉन्ग्स को देखते हैं वो सब बाइट्स में होते हैं, लेकिन ये बिट में होते हैं। जो प्लान होते हैं 1 GB पर सेकेंड के, 1 GBPS का प्लान होता है, तो उसमें आपको 1 GB 1 सेकेंड में डाउनलोड नहीं होगा, उसको आप 8 से डिवाइड कर दो तो जाके जो आपको स्पीड मिलती है वो आपको स्पीड वहां पर मिलनी है। सो अब सवाल ये उठता है कि बिट ही क्यों? तो क्या होता है कि इंटरनेट की जो स्पीड होती है उसमें हर बिट को आप डाउनलोडिंग में आप काउंट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि बिट जो है वो सबसे छोटी यूनिट है मेजरमेंट की। सो जैसे कि अपन कुछ चीज़ें होती हैं उनको किलो में मेजर करते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं उनको लीटर में करते हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं इस वजह से। उसी तरीके से बिट में हम इसमें चीज़ों को मेजर करते हैं। अब 8 बिट का 1 बाइट होता है, 8 बिट का 1 बाइट होता है, इसीलिए जब भी आपको कोई बोलता है कि 8 MB का प्लान है, मेगा बिट पर सेकेंड का प्लान है, तो उसको हम 8 से डिवाइड करते हैं तो आपको 1 MB की स्पीड मिलती है। उसी तरीके से अगर 24 MBPS का प्लान है, 24 MB पर सेकेंड का प्लान है, तो जो आपको स्पीड मिलनी है उसको अगर हम 8 से डिवाइड करें, सो 8 × 3 = 24, तो 3 MBPS की आपको स्पीड मिलनी है। सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती है। तो कंफ्यूज ना हो अगर कोई कंपनी बोल रही है आपको कि 80 MBPS का प्लान है, एयरटेल की जो स्पीड है वो 80 MBPS की है, तो आप उसे 8 से डिवाइड कर दें, 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 10 MBPS, तो 10 MB 1 सेकंड में आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसी तरीके से जो भी स्पीड आपको पेपर पे दिखती है या कंपनी आपको एडवर्टाइज करती है उसको आपको सिंपली 8 से डिवाइड करना है और आपको वो स्पीड मिल जाएगी। और बात जब आती है हमारे कंप्यूटर्स पर, तो कंप्यूटर्स पर हम जो साइज को देखते हैं, स्पेस को देखते हैं, वो बाइट्स में कैलकुलेट करते हैं,
और ये एक ही ऐसी जगह है जहां पर बिट्स में हम इन सारी वैल्यूज को देखते हैं, वो इंटरनेट स्पीड में, बाकी सभी जगह बाइट्स ही यूज होता है। तो ये बिट और बाइट का डिफरेंस है जिसकी वजह से स्पीड में जो है वो डिफरेंस आता है। तो कंपनी एडवर्टाइज करती है बिट्स में और हम जो रियल डाउनलोडिंग स्पीड होती है जो हम देखते हैं वो होता है बाइट्स में। तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, कभी भी हो उसको 8 से डिवाइड करो और आपको ओरिजिनल स्पीड मिल जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आपको अगर 1 Mbps की स्पीड मिल रही है, अब 1 Mbps को आप सोचोगे इसको हम कैसे कन्वर्ट करें बाइट में, तो 1 Mbps में होते हैं 1024 kbps। तो 1024 को आप 8 से डिवाइड कर सकते हो, 1024 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगी 128 की स्पीड। तो वो kbps था 1024, तो 128 kbps हो जाएगा। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो उसे प्लीज़ कमेंट कीजिए और पूछिए, मैं और कोशिश करूँगा कि और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँ। सो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आपको आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।